क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट O फॉर्मिंग एंगल एज शोन इन फिगर। इफ x बराबर है 45 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ y, z एंड u। यहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री और आपको y, z और u की वैल्यू निकालनी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो x और z बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे z बराबर है x और रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो तो L2 क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन। तो z और y का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे z प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री बिकॉज इट होल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। z अगर आपका 45 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, प्लस 45 वहाँ जाके माइनस, तो y बराबर हो गया 180 माइनस ऑफ 45 डेट इज इक्वल टू 135 डिग्री। अगर y आपका 135 है तो u भी आपका क्या होगा? 135 बिकॉज दे आर वर्टिकली पॉइंट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे u बराबर है y, रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो u भी आपका कितना आ गया? 135 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। इन फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O फॉर्मिंग एंगल्स ऑन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड u। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कोप्लेनर क्या होते हैं, मतलब टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोप्लेनर। यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है और आपको यहाँ पर x, y, z और u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो z के सामने जस्ट अपोजिट क्या है? 90 डिग्री। तो डैट मीन ये दोनों आपके क्या होंगे? बराबर, बिकॉज दे आर वर्टिकली पॉइंट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे z बराबर है 90 डिग्री और रीजन आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 50 के अपोजिट कौन सा है? y। तो यहाँ पर आप लिखोगे y बराबर है 50 डिग्री, रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो z, y और x का सम कितना होगा? 180 डिग्री बिकॉज इट होल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे AOB इज ए लाइन सच दैट z प्लस x प्लस y बराबर है 180 डिग्री और रीजन आप मेंशन करोगे लीनियर पेयर एंगल। z की वैल्यू आपने अभी निकाली 90, x आपको नहीं पता, y की वैल्यू आपकी 50 बराबर है 180 डिग्री। 90 प्लस 50 हो गया आपका 140 प्लस x बराबर है 180 प्लस 140 वहाँ जाके माइनस, तो आपका कितना आ गया आंसर? 40 डिग्री। अगर x आपका 40 है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन है? u। तो ये भी आपका क्या होगा? 40 डिग्री बिकॉज u और x आपके कौन से एंगल्स बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिख दोगे u बराबर है 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। यहाँ पर आपको दो लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O और एक एंगल आपको गिवन है 25, बाकी आपको x, y और z फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो y और 25 डिग्री बराबर है बिकॉज दे मेक एन एंगल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे y बराबर है 25 डिग्री और रीजन आप मेंशन कर दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर y आपका निकल गया तो देन अगर आप ध्यान से देखो तो L1 आपकी क्या? एक स्ट्रेट लाइन। तो y और x का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री बिकॉज इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे y प्लस x बराबर है 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो y आपने अभी निकाला 25 प्लस x बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 180 माइनस ऑफ 25, तो आपका x कितना आ गया? 155 डिग्री।
अगर आपका x 155 है तो z भी आपका कितना होगा 155, बिकॉज वर्टिकली अपॉइंट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर है z, रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली अपॉइंट एंगल्स, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको फिगर दे रखे है, तीन लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O, सम एंगल्स आपको गिवन है और बाकी आपको नहीं गिवन, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, जो आपका वैल्यू नहीं दे रखी उसको हम ए बी सी लेट कर लेते हैं। इसको हम मान रहे हैं ए, ये आपका बन गया बी और ये आपका बन गया सी। अगर आप ध्यान से देखो तो 3x से जस्ट अपोजिट कौन है ए, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी 3x होगी, सी की वैल्यू क्या होगी 5x और बी की वैल्यू क्या होगी 2x, बिकॉज तीनों का रीजन आप सेम लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक इस पॉइंट से अगर मैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट करूँ तो ये क्या बन रहा है कंप्लीट एंगल, और आपको पता है कि कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5x प्लस बी प्लस 3x प्लस सी प्लस 2x प्लस ए, ये बराबर होगा हमारा 360 डिग्री। 5x एज इट इज, बी की वैल्यू आपने अभी निकाली 2x, 3x सी की वैल्यू आपने निकाली 5x प्लस 2x प्लस 3x बराबर है 360 डिग्री। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7 10 15 17 20, तो 20x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो 20 का मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द फोर एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ए राइट एंगल, देन शो दैट ईच ऑफ द फोर एंगल इज ए राइट एंगल। आपको यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पे और उन चारों में से एक एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि बाकी जो एंगल्स हैं वो आपके 90 डिग्री बन रहे नहीं बन रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे अदर्स एंगल्स को ए बी सी। तो इसको ले रहा हूँ मैं ए, ये हो गया आपका बी और ये आपका बन गया सी। अगर आप ध्यान से देखो तो बी और 90 डिग्री आपके क्या होंगे बराबर, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप पहले डायरेक्टली लिखोगे कि बी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री, रीजन आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर आप ध्यान से रखो तो ए ओ बी हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ए प्लस 90 का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए ओ बी इज ए लाइन सच दैट ए प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री, और ए के जस्ट अपोजिट कौन है सी, तो मतलब सी और ए भी क्या होंगे बराबर, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सी भी आपका कितना आ गया 90 डिग्री, अदर्स एंगल्स भी हमारे क्या आ गए 90 डिग्री। तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, ईच ऑफ द फोर एंगल इज ए राइट एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ईच ऑफ द फोर एंगल इज ए राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर रे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, डिटरमाइन वाई व्हेन एक्स बराबर है 60 डिग्री। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, ए ओ बी हमारा क्या एक लाइन है, अगर ये हमारी एक लाइन है दैट मीन्स ये आपकी लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो मतलब 2x प्लस वाई का सम कितना आ गया 180 डिग्री, रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल। अब फर्स्ट पार्ट में आपको x कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 60 प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, तो 120 प्लस वाई बराबर है 180, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट में आपको y दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे 2x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट अप करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x प्लस 40 डिग्री बराबर है 180, तो 2x इज इक्वल टू 140,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ एफ, डी ओ ई एंड बी ओ एफ। तो जो आपको एंगल्स निकालने हैं उसको हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड। तो ये आपका बन गया एक्स, इसको आपने मान लिया वाई, और ये आपका बन गया जेड, और ये आपका बन गया ए। तो सबसे पहले आप देखिए एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी आपने एक्स माना है और बी ओ डी आपका कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ पर आप रीजन लिखोगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो एक्स इतना आ गया आपका 35 डिग्री, और अगर आप ध्यान से देखो तो 40 के जस्ट अपोजिट कौन है, जेड। तो यहाँ पर जेड भी आपका कितना आ गया 40 डिग्री, और रीजन आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जेड आपका किसके बराबर है, एंगल बी ओ एफ। तो बी ओ एफ फिजिकल जेड बराबर है 40 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्ट में इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहां पर आप लिखोगे ए ओ बी इज ए लाइन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 180 डिग्री, रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल। एक्स आपका कितना है 35, वाई कितना है आपका नहीं पता, जेड आपका कितना है 40, बराबर है 180 डिग्री। तो y प्लस 75 बराबर है 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 105 डिग्री, और y आपका क्या है सी ओ एफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल सी ओ एफ बराबर है 105 डिग्री, और अगर आप ध्यान से देखो तो y के जस्ट अपोजिट कौन है a, तो दैट मीन दे आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे a बराबर है y, और रीजन आप मेंशन करोगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो ए आपका क्या है एंगल डी ओ ई, तो बराबर है ए इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं, जो इसके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताएं, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।